हेलो ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। आज नवरात्रि का 8वां दिन है। आई होप आप लोग बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे, माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। बहुत बहुत अच्छी बात है ये। आज का रीडिंग हम लोग देखेंगे कि माता रानी आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स ले आ रहे हैं आज के दिन में। थैंक यू सो मच। ओके, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। रीडिंग स्टार्ट करने से मैं बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी आप सबको कि आप लोग ये वीडियो देखते हो, रीडिंग देखते हो, रिप्लाई करते हो, कमेंट करते हो, लाइक भी करते हो एंड शेयर भी करते हो। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू, आप लोगों की वजह से ये जो भी वीडियोज़ है, ये जो चैनल है, ये सब कुछ ग्रो हो रहा है। आप अपना प्यार दिखा रहे हो एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओके, आज के ग्रेटिट्यूड के साथ हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। चलिए देख लेते हैं माता रानी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। हमारे प्यार से गनू जी का नाम लेके और माता रानी का नाम लेके हम लोग की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। पहले टैरो कार्ड से देखते हैं। थैंक यू। ओके, आप किसी चीज को लेकर जल्दबाजी कर रहे हो। आपको कहा जा रहा है कि आप जल्दबाजी मत करो, डिवाइन टाइमिंग के ऊपर आप छोड़ो। आपके अंदर एक रेस्टलेसनेस पैदा हो रही है, अभी चाहिए वाला। आपको एक्चुअली समझ आ रहा है कि ट्रू लव क्या होती है। माता रानी आपको ये दिखा रहे हैं कि एक्चुअल प्यार क्या होता है, ट्रू लव क्या होती है। आपको कहा जा रहा है आपको अपने वाणी के ऊपर ध्यान देना चाहिए, स्पीच के ऊपर। आपका शब्द आपका एनिमी बन जाएगी। अगर आप अपने शब्द का प्रयोग सही तरीके से नहीं कर रहे हो तो आपका जो शब्द है वही आपकी एनिमी बन जाएगी और आपके लाइफ में ऐसी चीज़ होगी जो आप चाहते ही नहीं हो। यस, मैंने अभी अभी कहा ना कि आपका शब्द आपकी एनिमी बनेगी। सी, आपको स्पीच के ऊपर बहुत ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप गुस्सा हो जाते हो, कुछ भी हो जाते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने स्पीच के ऊपर ध्यान दीजिए। यहाँ पे मैं स्पीच, आपका वॉइस ज्यादा मैं देख पा रही हूँ। बाउंड्री सेट कीजिए। डोंट बी अ पीपल प्लीजर। पीपल प्लीजर मत बनिए, ठीक है? अपना बाउंड्री सेट कीजिए। आपके मन में अगर ऐसा आते हैं कि अगर मैंने ये नहीं किया तो सामने वाला इंसान बुरा मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पर्सन आपको समझते हैं वो कभी आप को गलत नहीं समझ सकते। बाउंड्रीज इज अ हेल्दी थिंग। यहाँ पे माता रानी कह रहे हैं कि आपको ना बहुत कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके सामने बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, जिस वजह से ना आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन है, यहाँ पे
आपको कहा जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको पहली मूव लेनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आपको भेजा जा रहा है जहाँ से ना आप अपने लिए बाउंड्री सेट करो एंड आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। माता रानी की तरफ से यहाँ पे बहुत सारे टफ सिचुएशंस हैं ताकि आपके जो इनर पर्सन है, आपका जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है, वो आपके मन में, वो आपके अंदर हो। क्योंकि यहाँ पे दो कार्ड्स आए हैं मेजर आर्काना के, एक तो लवर्स, एक द टावर। आपको आपको सही पहचान होगा कि एक्चुअली प्यार क्या है, प्यार क्या है। बॉटम ऑफ द डेक क्या है? मैरिज, सेवन ऑफ कॉइन्स। अगर आप यहाँ पे मैरिज, मैरिज का यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैरिज है, एंड इट इज़ अ गुड मैरिज, इट इज़ अ गुड मैरिज। आपका ना, आप कोई काम करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं था, वो पैसा प्रोवाइड किया जा रहा है, वो मनी प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, चलिए मोनोलॉजी कार्ड से देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस है। यहाँ पे आप ना किसी की इनर ब्यूटी को देख रहे हो। अब तक आप बाहरी खूबसूरत के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, अब आपको इनर खूबसूरती के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इनर ब्यूटी। थैंक यू सो मच। सी, पहला कार्ड ही निकल के आया जो मैंने, जो स्टेटमेंट एग्जैक्टली बताई थी, मैंने वही बताया कि यहाँ पे वही कार्ड आया है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ठीक है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, इसलिए आपके सामने इतना नेगेटिव सिचुएशंस आ रहे हैं। You are very close to achieving your goals. Persist कीजिए, अपने vision के ऊपर persist कीजिए, hold on your vision जिसे कहते हैं, ठीक है। Nothing is yet set in stone, अभी तक कुछ भी positive, negative कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप अपने words के ऊपर ध्यान दीजिए, आप positive चीज़ों को, जो भी आपका vision है वो उसको hold पे रखिए, ठीक है। ये कोई नया चीज़ आपके लाइफ में, आपने, आपका ड्रीम है, ये कोई मटेरियल चीज़ नहीं है, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल आपका कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी भी आपको नहीं मिल रही है। यू आर गुड इनफ, आपको कहा जा रहा है अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए एंड सेलिब्रेट कीजिए, यू आर गुड इनफ। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, जितना हो सके आप अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए। बाहर मेहनत करके आप मटेरियल चीज़ को ला पाएंगे, लेकिन जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे, आप अपने आप को नहीं समझ पाएंगे और आपका पर्पस क्या है लाइफ में वो भी आप ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपके ऊपर ये सारे ब्लेसिंग्स भेजा जा रहा है, आपको ये सारे मैसेजेस दिया जा रहा है ताकि आप अपने अंदर की जो पर्सन है ना, उसको आप ढूंढो, समझो कि कौन हो आप, क्यों हो। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। थैंक यू सो मच। वाओ, फेदर, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल साइन। मैंने कहा ना यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ है, देखिए 7 नंबर भी आया है। दिस इज़ अ ब्यूटिफुल साइन एंड अ मैसेज कि आपका जो पाथ है
रास्ता है वो सही है। अगेन यहाँ पे ग्रीन कलर आया है। अगेन आप वाओ, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। अगेन सेवन नंबर आया है, 16, 1+6, 7। यहाँ पे स्टेबिलिटी आ रही है, अब आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। इतने टाइम तक आप बहुत ऊपर नीचे हो रहा था, नाउ इट इज टाइम फॉर स्टेबिलिटी। नॉट वाओ, रिलेशनशिप, आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, रिलेशनशिप, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, बढ़िया रिलेशनशिप। इट्स एट नंबर आया है, इनफाइनाइट साइन। यस, आप अच्छे रिलेशनशिप में जा रहे हो, आपका नॉटिंग बन रही है। माउंटेन्स, ऑब्स्टेकल्स आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन आपको यही तो पार करना है। माता रानी कह रहे हैं कि जितने भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, जो भी हो रहा है, उनका आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन फाइव नंबर आया है, बुध का नंबर है, मर्क्यूरी, यानी आपका वॉइस, स्पीच, कम्युनिकेशन। यहाँ पे वॉइस के ऊपर बहुत बहुत है, यहाँ पे वर्गो का भी आया है, सी इसके ऊपर ही ये कार्ड आया है। वाओ, एंसेस्ट्री, यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप अपना जो एंसेस्टर्स है उनके साथ अगर किसी तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हो तो आप कम्युनिकेट कीजिए। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि न्यू क्लोथ्स लाइए आप अपने घर में, ठीक है, अपने लिए कुछ न्यू क्लोथ्स खरीदे। अगेन यहाँ पे ग्रीन का कलर आया है, तो अपने हार्ट के ऊपर भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ पे मुझे थोड़ा ना ट्रैवल भी दिख रहा है कि आपका अगर ट्रैवलिंग का कुछ आपका प्लान बना हुआ था तो बहुत अच्छे तरीके से ये प्लान सक्सेसफुल हो रहा है। यहाँ पे फैमिली ट्रिप भी मैं देख पा रही हूँ। अगर आपका अब्रॉड जाने का कोई सिनेरियो बन रहा है कि आप बाहर घूमने जाना चाहते हो या बाहर अपना जो लाइफ है आप वहाँ पे सेटलमेंट चाहते हो, बाहर जाके किसी के साथ शादी करना चाहते हो, तो वो भी यहाँ पे दिख रही है। यस, वो भी यहाँ पे दिख रही है कि अगर आप ऐसा सिचुएशन है कि आपका जो भी रिलेशनशिप है वो ऐसे पर्सन के साथ है जो इस कंट्री में नहीं है, आउट ऑफ कंट्री में है, तो उनके साथ आपकी नॉटिंग बन रही है, उनके साथ आपका कनेक्शन बन रही है, ठीक है। ओके, एंजल्स कार्ड से देख लेते हैं कि और क्या गाइडेंस है माता रानी की तरफ से। थैंक यू इस नवरात्रि के आठवें दिन में, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको और किस टॉपिक के ऊपर रीडिंग देखनी है। थैंक यू, डेफिनेटली बनाऊंगी उसके ऊपर रीडिंग। डोंट स्टॉप, आपको कहा जा रहा है क्या, डोंट स्टॉप। जस्ट अ सेकंड, पहला कार्ड आपका आया है डोंट स्टॉप, ठीक है, कि बिल्कुल मत डरो, आप रुको मत, ऑब्स्टेकल्स आ रही है कोई बात नहीं। अबंडेंस, अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको, अबंडेंस मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। रिकंसिडर, रिलेशनशिप में अगर प्रॉब्लम आ गई है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ गई है, तो आपको कहा जा रहा है रिकंसिडर इट, नो प्रॉब्लम। If you believe, जो भी आप believe करोगे वही आपके साथ होगा। अगर आप सोच रहे हो कि yes we are meant together, definitely आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी, वो person, वो चीज़, वो job, सब कुछ आपके लिए है, exist कर रहा है। Opportunity, see आपको opportunity मिल रही है और मिलेगी भी, और भी मिलेगी, in future में भी मिलेगी। सो डोंट स्टॉप, जस्ट डोंट स्टॉप, आप अपना कर्म करते रहो, जो भी रास्ते से जा रहे हो, जो भी टेक्निक यूज़ कर रहे हो, जो भी सोल्यूशन आप कर रहे हो, जो भी अफर्मेशंस आप कह रहे हो एवरी डे, मेक इट अ रेगुलर हैबिट, रेगुलर। यहाँ पे जो समराइज मैसेज है वो ना रिपीटेशन का है कि स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन उसको आप रिपीट करते रहो, एक रिपीटेशन में रखो, ठीक है।
ओके तो यही कुछ मैसेजेस है आज नवरात्रि के 8वें दिन में। बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी का मैसेज आया है माता रानी की तरफ से, कि आपको कहा जा रहा है कि आपको अब स्टेबल होना पड़ेगा, ठीक है। अपने ड्रीम के ऊपर आप काम कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो यहाँ पे सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन ऑब्स्टेकल्स भी है। यस, ऑब्स्टेकल्स भी है, लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए माता रानी खुद ही आपको हेल्प भेज रहे हैं, ठीक है। तो वेन एवर यू आस्क फॉर समथिंग यू विल गेट आंसर्ड, ठीक है। डेफिनेटली आप कुछ भी मांगो, कुछ भी भगवान से बोलो कि मुझे ये चाहिए, कैसे भी करके यूनिवर्स आपको वो आंसर देंगे ही देंगे, ठीक है। ओके तो यही कुछ मैसेजेस हैं यहाँ पे। मनी को लेके बहुत ही अबंडेंस फील होगी आपकी, कि मनी प्रॉस्पेरिटी आपकी बढ़ेगी, मनी को लेके जो भी ब्लॉकेजेस था वो इम्प्रूव हो रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके तो चलिए, आई होप आप लोगों को आज का ये रीडिंग अच्छा लगा हो। ऑब्वियसली अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर डेफिनेटली कर दीजिए। आज का रीडिंग इतना ही, मैसेजेस इतना ही। चलिए देख लेते हैं, मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।